Hello friends, I am Riyaz and you are watching my YouTube channel Riyaz English Classes. Guys, in this video we will talk about 10 daily use English sentences related to summer season. यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 daily use English sentences की जो गर्मियों से जुड़े हुए हैं. So make sure you watch this video till the end and if you haven't subscribed my channel yet, then subscribe it right now and click on the bell icon so that you never miss any update from me. So let's begin. दोस्तों इसमें सबसे पहला डेली यूज सेंटेंस आता है आज बहुत गर्मी है. दोस्तों इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे. आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे. या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उसको बोल सकते हैं इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे. इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है मुझे पसीना आ रहा है. इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई एम स्वेटिंग. स्वेटिंग स्वेट बोलते हैं पसीने को. मुझे पसीना आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं आई एम स्वेटिंग. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है बाहर बहुत तेज़ धूप है. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं, धूप को इंग्लिश में हम बोलते हैं सनी. तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट्स टू सनी. यानी बहुत तेज़ धूप होना, टू सनी आउटसाइड. बाहर बहुत तेज़ धूप है, इट्स टू सनी आउटसाइड. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है मुझे प्यास लगी है. प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यास को इंग्लिश में हम बोलते हैं थर्स्ट. अब कोई प्यासा है तो उसको बोलते हैं हम थर्स्टी. तो इसको हम बोल सकते हैं मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी. थर्स्टी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है आज का मौसम कैसा है. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोलते हैं, मौसम को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेदर. तो इसको हम बोल सकते हैं हाउज द वेदर टुडे. हाउज द वेदर, वेदर यानी मौसम. वेदर टुडे आज का मौसम कैसा है. हाउज द वेदर टुडे इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे. व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे तो इसका भी यही मतलब होता है कि आज का मौसम कैसा है. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है मौसम गर्म हो गया है. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द वेदर हैज गर्म होने को हम बोलते हैं वार्म्ड अप. द वेदर हैज वार्म्ड अप. डब्ल्यू ए आर एम ई डी वार्म्ड अप. मौसम गर्म हो गया है, द वेदर हैज वार्म्ड अप. आइए देखते हैं सेवेंथ डेली यूज सेंटेंस क्या है. सेवेंथ है मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता. गर्मी को बोलते हैं हम इंग्लिश में हीट. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई कांट स्टैंड हीट. स्टैंड की जगह हम टॉलरेट भी यूज़ कर सकते हैं. इसका भी मतलब यही होता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाना. मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड हीट या फिर आई कांट टॉलरेट हीट. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है राहुल पंखा तेज करो प्लीज. इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं राहुल टर्न अप द फैन प्लीज. राहुल पंखा तेज करो प्लीज़. राहुल टर्न अप द फैन प्लीज. पंखा तेज करने को हम बोलते हैं टर्न अप, और अगर स्लो करना होता तो हम उसको बोलते हैं टर्न डाउन. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. नेक्स्ट है मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए उत्सुक हूँ. मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए उत्सुक हूँ. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड समर वेकेशंस. समर वेकेशंस
मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए उत्सुक हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समर वेकेशंस। तो इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप इस तरह के सेंटेंस को, मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए उत्सुक हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समर वेकेशंस। आइए देखते हैं टेंथ और लास्ट डेली यूज सेंटेंस क्या है। लास्ट है, बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इस तरह से, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑल ओवर योर बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी बिफोर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से पहले, बिफोर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से पहले पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑल ओवर द बॉडी बिफोर गोइंग आउटसाइड। तो ये हो जाता है इस तरह के डेली यूज सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों ये थे वो 10 डेली यूज सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।